a possibility of watching. We are going to plane. इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरा जो सीट है पूरा प्लेन के लास्ट में है 31D इंडिगो का, तो प्लेन में बैठ चुका हूँ, ये देख रहे हैं ये सीट है और ये प्लेन के बाहर का नज़ारा है। देखिए कितना सुंदर, देखते हैं आगे होता क्या है। आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, जो प्लेन के ऊपर ये जो आप केबिन देख रहे हैं वहाँ पर आप अपना बैग रख सकते हैं। थोड़ा सा आप ये देखेंगे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कि आप बेल्ट नहीं उतारे बेल्ट को उठाने बाद के बाद, और ये जो आप थोड़ा थोड़ा सा प्लान देख रहे हैं ये एसी का पॉइंट है, और ये जो सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा लाइटनिंग का स्विच देख रहे हैं ना, उसको अगर आप दबाएँगे तो मतलब आपको बुलाना नहीं पड़ता किसी को, तो इसको दबा देने से वो खुद आ रहा है, जान रहे हैं कुछ प्रॉब्लम हो गया है चल, वो आराम से आप वेट कर सकते हैं। ये प्लेन का वॉशरूम है, आप देख सकते हैं टॉयलेट है, और ध्यान देना छोटा सा ही है ये टॉयलेट है, आप टॉयलेट कर सकते हैं या पेशाब कर सकते हैं, छोटा सा ही है। और थोड़ा सा मिरर भी लगा हुआ है।
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आपका हार्दिक स्वागत है। इंडिगो की ओर से हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे हम दिल्ली एयरपोर्ट में पहुंच चुके हैं, ऑफिशियली दिल्ली में पहुंच चुके हैं। आप देख चुके हैं वो टर्मिनल टू में पहुंच चुके हैं। मुझे अभी महाराष्ट्र के लिए निकलना है, इसलिए मुझे टर्मिनल थ्री में जाना पड़ेगा। तो चलते हैं टर्मिनल थ्री में। ओके, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसा है। पूरा बाहर जाना पड़ेगा वो। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है दिल्ली एयरपोर्ट, क्लीन ब्यूटीफुल। यहाँ पर सब कुछ मिलता है, आप चाहें तो यहाँ पर टैक्सी भी कर सकते हैं। खाना पीना पेस्ट्री ड्रिंक्स सब मिलता है। देखिए अल्कोहल भी यहाँ पर मिलता है। इतना सुंदर स्टैचू भी बना हुआ है। टर्मिनल टू से निकल आए हैं, दिखा दे रहा हूँ कि टर्मिनल थ्री है। तो हमें पूरा टनल क्रॉस करके टर्मिनल थ्री जाना है, पूरा का पूरा क्रॉस करना है टर्मिनल थ्री। लगभग पाँच मिनट लगेगा चलने से। देखते हैं कितना जल्द पहुँच पाएंगे कितने जल्दी। ओह माय गॉड, टर्मिनल थ्री के लिए 5 मिनट लगेगा सिर्फ चलने के लिए। देखते हैं कितना जल्दी पहुँचते हैं। इतना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर है। टर्मिनल टू से टर्मिनल थ्री जाने के लिए जो टनल है इतना सुंदर बनाया है दिल्ली में, देख सकते हैं आप कितना क्यूट है। आप अगर जा सकते हैं तो चल के जा सकते हैं, या गोटे एक्सलेटर दिया हुआ है। सुंदर सा स्टैचू बना हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर आप खड़े होंगे वो चलेगा अपने आप। चाहे तो आप चल के जा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सवारी करके जा सकते हैं। और क्या हुआ, 55 नंबर गेट नंबर मेरा 55 है ना, इसलिए बहुत फाइनली इतने चलने के बाद फाइनली हम गेट नंबर 55 तक पहुँच गए। बहुत चलवाया हमसे, रिकॉर्ड चलो आधा घंटे से चल ही रहे हैं। ग्रेट है गाइस, मेरा जो गेट नंबर 55 था वो एंड मोमेंट में 43 को चेंज हो गया। देखो मुझे जाना पड़ रहा है 43 को, क्या करूँ, लास्ट मोमेंट में सब कुछ चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे अभी 55 से गेट नंबर 55 से गेट नंबर 43 को जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं। फाइनली हम फ्लाइट के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इंडिगो के फ्लाइट, दिल्ली से हम महाराष्ट्र के लिए निकलेंगे। ये है इंडिगो के फ्लाइट। मेरा सीट थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद हम गुड टू गो, हम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरा सीट नंबर है 25 है, देखते हैं। देखते मिला मुझे, ये देखिए ये मिला मुझे विंडो वाला सीट मिल गया है। अभी अब हम पूरा का पूरा सफ़र का मज़ा लेते हुए चलेंगे।
ऊपर आप देख सकते हैं पूरा कपड़ा खुला और यहाँ पर सूरज का थोड़ा थोड़ा किरण पड़ते हुए हमारा ये सुंदर सा प्लेन इंडिगो का प्लेन चला महाराष्ट्र के लिए। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, एकदम जिसे लग रहा है हेवन है, स्वर्ग है। कितना बादल, कितना सुंदर सुंदर बादल प्लेन के ऊपर, प्लेन बादल के ऊपर चल रहे हैं। प्राइसलेस प्लेन का जर्नी में यही मज़ा है, ये जो व्यू लगता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लेते हैं मगर जो व्यू मिलता है ना वो व्यू आपको और कहीं नहीं मिलेगा। कितना सुंदर है इधर जी बादल के ऊपर, इसको बेल्ट बोलते हैं कि बेल्ट में आपका सामान जो चेकिंग बैग है वो आता है, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट कलेक्ट करना है बैग को।